हेलो दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको हमारे आने वाले नए नए वीडियोज की नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आप कोई भी अपडेट मिस नहीं कर पाएं। हेलो साथियों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान वैकेंसी अपडेट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, एक नई अपडेट के साथ आपके सामने फिर हाजिर है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, कार्यालय पंचायत समिति सूरतगढ़ जिला गंगानगर से एक प्रेस नोट जारी हुआ है और आप सभी को बता दें कि ये प्रेस नोट किस संदर्भ में हुआ है। तो साथियों, आपको एक नई अपडेट बताएं, इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो साथियों चलिए शुरू करते हैं अपना आज का ये वीडियो। साथियों, आप जैसा कि आप सभी को पता होगा कि एलडीसी की जो 2013 में जिला परिषदों के माध्यम से लगभग 19,000 पदों पर जो भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई थी, उसमें लगभग 7,000 पदों पर नियुक्तियां हो चुकी थी और 10,000 पर होना बाकी थी। तो उसी क्रम में अभी कुछ दिनों पहले माननीय मुख्यमंत्री महोदय गहलोत जी ने जो आदेश जारी किए थे कि आगामी एक माह के अंदर इनके कट ऑफ, नियुक्ति आदेश, पदस्थापन, काउंसलिंग आदि जारी करवाकर जिला परिषदों के माध्यम से इन्हें नियुक्ति दी जानी है। तो इस संदर्भ में एक बहुत बड़ी अपडेट सामने आई है। अभी हाल ही में कार्यालय पंचायत समिति सूरतगढ़ जिला गंगानगर से एक प्रेस नोट सामने आया है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है, और देखिए साथियों, आपको बता दें कि प्रेस नोट आप देख पा रहे होंगे, दिनांक यहाँ पर आज की लिखी हुई है 15/3/2019। और आपको बता देते हैं कार्यालय आदेश, इसमें आपको पढ़कर बताते हैं, श्रीमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पत्रांक दिनांक, यही कार्य पत्रांक दिनांक दिया गया है, दिनांक 15/3/2019 के अनुसार श्री सप्तऋषि त्रिपाठी वरिष्ठ सहायक को कनिष्ठ सहायक भर्ती 2013 की शेष कार्यवाही भर्ती प्रक्रिया पूर्ण करने हेतु लगाया गया है। श्री सप्तऋषि त्रिपाठी वरिष्ठ सहायक को आज दिनांक 15/3/2019 को 19 के बाद दोपहर कार्य मुक्त कर आदेशित किया जाता है कि वह आप अपनी आगामी उपस्थिति जिला परिषद श्रीगंगानगर में देना सुनिश्चित करें। और विनोद कुमार रेगर, यहाँ पर विकास अधिकारी पंचायत समिति सूरतगढ़। तो साथियों, आप नीचे दिनांक भी देख सकते हैं। तो साथियों, स्पष्ट हो रहा है यहाँ पर कि अब कट ऑफ का कार्य कट ऑफ निकालने का कार्यक्रम अब शुरू होने जा रहा है और अब यहाँ पर प्रतिनियुक्तियाँ की जा रही हैं, जिससे कि यह कार्य बहुत तीव्र गति से प्रारंभ हो सके और इस कार्य को अतिशीघ्रता से पूरा करने में कोई बाधा का सामना नहीं करना पड़े। आपको नीचे बता दें साथियों, एक और अपडेट आपके सामने लाएंगे, एक दूसरा प्रेस नोट भी एक जारी हुआ है, लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं, आप नीचे देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिएगा ये प्रतिलिपि किन किन को सेंड गई है। श्रीमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद श्रीगंगानगर सूचनार्थ, और दूसरा है संबंधित श्री सप्तऋषि त्रिपाठी वरिष्ठ सहायक को कनिष्ठ सहायक के पालनार्थ। विनोद कुमार रेगर, यहां पर विकास अधिकारी जी, जो कि यहां पर आप देख सकते हैं पंचायत समिति सूरतगढ़ के, यहाँ पर उनके हस्ताक्षर हैं। और साथियों, ये प्रेस नोट आज की डेट में जारी हुआ है। तो साथियों, बहुत बड़ी अपडेट सामने आई है। वीडियो को आप अभी छोड़िएगा नहीं, आगे आपको दूसरा प्रेस नोट दिखा देते हैं। साथियों, ले चलते हैं आपको दूसरे प्रेस नोट की ओर, एक और प्रेस नोट है। तो साथियों आप देख सकते हैं एक प्रेस नोट और कार्यालय जिला परिषद श्रीगंगानगर से जारी हुआ है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं दिनांक यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन दिनांक लिखी नहीं गई है। आपको नीचे दिखा देते हैं, दिनांक यहाँ नीचे दी होगी, देखिए साथियों, यहाँ 15/3/2019 दिनांक डाली गई है। आपको ले चलते हैं वापस शुरुआत में, देख पा रहे हैं साथियों, आदेश यहाँ पर श्रीमान शासन सचिव एवं आयुक्त ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग जयपुर राजस्थान का पत्र क्रमांक इतना, ये पूरा पत्र क्रमांक दिया हुआ है, जयपुर, दिनांक 6/5/2019 के अनुपालना में कनिष्ठ लिपिक भर्ती 2013 की प्रतीक्षा सूची जारी दिना पात्र अभ्यर्थियों के चयन, नियुक्ति को कार्यवाही के संबंध में प्रदत्त निर्देशों की पालना में उक्त कनिष्ठ लिपिक सीधी भर्ती 2013 की शेष कार्यवाही भर्ती प्रक्रिया पूर्ण करने हेतु निम्न अधिकारियों कर्मचारियों की कमेटी गठित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्त विभागीय निर्देशानुसार तथा उक्त भर्ती के संबंध में विभाग द्वारा समय समय पर प्रदत्त दिशा निर्देशानुसार कार्यवाही कर की जाने वाली कार्यवाही के प्रस्ताव शीघ्र अधोस्तारण हस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। तो साथियों, ये पूरी भाषा लिखी हुई है, इसका तात्पर्य यह है कि ये नीचे आपको 5 कर्मचारियों की जो सूची दी गई है, इन्हें अब यहाँ पर इस कार्य को सौंपा गया है कि ये अब जो भी ऊपर से यहाँ पर जो भी आदेश आएंगे जिला परिषद श्रीगंगानगर के लिए कनिष्ठ लिपिक सीधी भर्ती 2013 के कट ऑफ तैयार करने, काउंसलिंग संबंधित या उन्हें पदस्थापन नियुक्ति आदि देने से संबंधित, तो साथियों वो इनके द्वारा ही किए जाएंगे और इन्हें यहाँ पर प्रतिनियुक्ति के तौर पर या स्पष्ट नियुक्ति के तौर पर यहाँ लगाया गया है। तो बता दें, आपको नीचे देखिए, यहाँ पर ये श्रीमान हंसराज जी, जो प्राचार्य डाइट, यहाँ पर
आप देख पा रहे होंगे इन्हें प्रभारी बनाया गया है। श्री राजेंद्र बिश्नोई जी प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मलकाना कला, ये सदस्य हैं। श्री ओम प्रकाश अग्रवाल जी लेखाधिकारी कार्यालय, इन्हें सदस्य बनाया गया है। श्री जगमोहन मिश्रू का, इन्हें वरिष्ठ विधि अधिकारी कार्यालय हाजा बनाया गया है। श्री सप्तऋषि वरिष्ठ सहायक पंचायत समिति सूरतगढ़, श्री सोहन सिंह कंप्यूटर ऑपरेटर कार्यालय हाजा। तो आप देख सकते हैं साथियों, ये बहुत बड़ी अपडेट सामने निकल कर गई है। ये नीचे सौरभ स्वामी जी जो IAS हैं, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद श्रीगंगानगर, उनके यहाँ पर हस्ताक्षर हैं। दिनांक आप देख सकते हैं 15/3/2019 को, और यह प्रतिलिपि जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक शिक्षा श्रीगंगानगर गई है। दूसरी विकास अधिकारी पंचायत समिति सूरतगढ़ को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि श्री सप्तऋषि वरिष्ठ लिपिक को उक्त कार्य संपादित कर रहे हैं तो कार्य में उक्त कर आगामी उपस्थिति इस कार्यालय में देने बाबत पाबंद करें संबंधित अधिकारी या कर्मचारी को पालनार्थ। नीचे सौरभ स्वामी जी IAS मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद श्रीगंगानगर के यहाँ पर हस्ताक्षर है साथियों। तो साथियों आप देख सकते हैं कि एक बहुत बड़ी अपडेट सामने आ रही है, और सभी बेरोजगार जो नव चयनित होने वाले 10,000 भाइयों को खुशखबरी मिलने वाली है। गहलोत सरकार ने जिस प्रकार आपके लिए एक बहुत बढ़िया कदम उठाया साथियों, और आपके परिवारों में खुशियों की मौका अब आ चुका है साथियों, घी के दिए जलाने का समय आ चुका है साथियों, आपके लिए खुशियों का अवसर यहां पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय गहलोत जी ने आपको दिया है। और आपको जिस प्रकार की आपकी फाइल को बहुत सरकार बनने के पूर्व घोषणा पत्र में उन्होंने कहा था कि कनिष्ठ लिपियों की नियुक्ति प्रक्रिया हमारे लिए सर्वोच्च एवं प्रथम प्रायिकता रहेगी, तो उस क्रम में उन्होंने इस फाइल को जैसे ही सरकार सत्ता में आई उनकी, और उन्होंने इसको बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ाया। और साथियों इस क्रम में उन्होंने तुरंत तात्कालीन समय में आदेश जारी किए थे कि अब इनको तुरंत प्रभाव से नियुक्ति दी जाए, इनके कट ऑफ आदि जारी की जाए विभिन्न जिला परिषदों के द्वारा। तो इस संदर्भ में साथियों बहुत बड़ी अपडेट सामने निकल कर आई, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर आपको दिखाई दिया है और आपको बता दिया गया है साथियों सब कुछ पूरा विस्तृत रूप से कि अब आपकी जल्द ही कट ऑफ जारी हो जाएगी साथियों, जल्द ही आपको पदस्थापित कर दिया जाएगा। तो धन्यवाद साथियों आपको, आप इस प्रकार आपको जो ये अपडेट दिया है, और साथियों आपको जो इस प्रकार की खुशी का अवसर मिला है, और इसी प्रकार आपको ईश्वर आपको अनेक नए नए उच्च आयामों तक ले जाए और आपको जीवन में असीम खुशी के अवसर मिले साथियों। और राजस्थान वैकेंसी अपडेट चैनल की ओर से आप सभी नव चयनित 10,026 बेरोजगार भाइयों को जो नव चयनित होने जा रहे हैं कनिष्ठ लिपिक के पद पर, उनके लिए इस राजस्थान वैकेंसी अपडेट चैनल ईश्वर से आपके लिए कामना करता है कि आप अपने आगामी जीवन में भी इसी प्रकार अपने नए कामयाबी के शिखर को चूमें और आपका भविष्य उज्जवल हो। तो धन्यवाद साथियों, ये अपडेट और वीडियो आपको पसंद आया तो हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको आने वाली नई नई वीडियोज़ के रेगुलर नोटिफिकेशन और अपडेट्स इसी प्रकार मिलते रहें। साथियों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिभागियों तक ये अपडेट पहुँच सके और वे अब तनावमुक्त हो जाएं और उन वे भी अब खुशी मना सकें कि जल्दी अब उनका परिणाम जारी होने वाला है और जल्दी कट ऑफ आने वाली है। तो धन्यवाद साथियों, आप इस आपका ये छोटा सा प्रयास हमारे लिए बेहतर से और बेहतरीन करने के लिए प्रेरित करेगा और हमारे मनोबल में हजारों गुना वृद्धि करेगा। धन्यवाद साथियों, एक नई वीडियो नई अपडेट और नई ऊर्जा के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। धन्यवाद साथियों।